मैं तां कुछ भी नहीं, मैं तां पासकू भी नहीं, जो तुहाडा तजर्बा है। मैं ये गल जरूर कहनी चाहूंगा कि एक मतलब डिसेंसी दे लेवल दे अंदर रह के तां सियासत पार्टियां ने करनी है। तो चलो कोई नहीं, हर पार्टी अपने विचारधारा दे हिसाब नाल अपने अपने तरीके नाल लोकां दी कचहरी च गल रखदी है। लेकिन जदों असी एक इनू एक पासड़ करके एक नवा लिया पाड़ के और इन्ना गिरा दिने हैं म्यार, और इन्ना ज्यादा नीचे आ जाने हैं कि आप एजेंसियां का भी मिसयूज करिए, झूठे परचे पाइए, उस तो बाद एहो जे पासे देश नू धक दिए नफरत की राजनीति च कि देश का जिहड़ा समाजिक तानाबाना है, सोशल फैब्रिक है, वो ही खतरे में आ जाए। ये मतलब मल है, तुसी वोटां वास्ते इलेक्शनां वास्ते सब कुछ दाते नहीं ला सकते। ठीक है, जित भी जरूरी हुंदी है, सरकार बना के ही बंदा किसी दे जीवन विच कोई फर्क कर सकदा है, किसी दे जीवन पद्धर नूं उच्चा चक सकदा है। लेकिन जिहड़ा सियासी सियासत निचले पद्धर ते करनी है, जिहड़ा तुसी कदरां कीमतां ही खत्म कर देनी है, वो माड़ी गल है। मैनू इस गल दा बड़ा गिला है भारतीय जनता पार्टी नाल कि अज चन्नी जी वर्गे सियाने सुलझे हुए गुरसिख बंदे कोल भी सही तरीके नाल जवाब नहीं है। जो ये गल कर रहे ने, खुद इन्हां दी गल दे विचों दम नहीं। अज कारण की है कि पोजीशन च इहो जी च पाता। हुण देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नू की इंटरेस्ट है जी, जेड़ी चीज उन्हां कोल पई है वो पब्लिक करने विच उन्हां नू की इंटरेस्ट है कि असी लेट करिए। ये तां उपरों जदों टेलीफोन खड़कदे है, चाहे फाइनेंस मंत्री दा होवे चाहे प्रधानमंत्री दा होवे, कि लोक सभा इलेक्शन टपा के फिर दसना है किने किने बीजेपी नू पैसे दिते सी। जे लोक सभा तो पहला पता लग गया तां बिल्ली थैले चो बाहर आ जूगी। सो गल ये है कि नफरत की राजनीति करके, तुसी धर्म की राजनीति करके अज देश नू एहो जे मौके ते मोड़ ते लिया के खड़ा करता कि अज देश दे जेड़े निरपक्ष अदारे सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई, और जिन्ने निरपक्ष अदारे सी अज वो सारे सियासीकरण हो चुका है। इथों तक साडी शिक्षा का भी सियासीकरण हो गया, इथों तक साडियां सारियां जिहड़ियां जथेबंदियां उन्हां ते भी कब्जा करा दिता गया। सो मैं महसूस करदा कि जिहड़ी अज दी डिबेट है उहदे विच इह साबित करना चाहीदा है कि किहड़ी पार्टी है जिहने सारे हद्दां बन्ने टप के सारे सिस्टम हेलो नूं हेलो गुलाम मिस्टर बना बब्बी लिया। फादर साहब, अब मैं मेरे भरा ने भुल्लर साहब, मैं इन्हां दे ओ तां नहीं करूंगा, मतलब एक लेवल तो नीचे जाके इन्हां दे लीडरशिप बारे कोई गल, जिवें ये मुख्यमंत्री जी दे हमेशा पिछे पए रहिंदे ने। पर मैं इन्ना जरूर करूंगा कि साडे ते दोष ला रहे हैं कि तुसी 23 फसलां दी एमएसपी नहीं दित्ती। इन्ने साल अकाली दल बादल राज भाग च रहा ते 23 फसलां दी एमएसपी तुसी ना देती, तुसी तां दित्ती नहीं आपदे राज भाग च। फिर दूसरी गल ये है कि देखो, आपां पंजाब दे भले दी गल करनी है, मैं बिल्कुल मानदा विधानसभा दा समां बड़ा कीमती है, लेकिन तुसी ये देखो कि किस तरह नाल कांग्रेस दे लीडरां ने जो शब्दावली वरती, मुख्यमंत्री जी दी तां आदत है जी कि उन्हां नाल जेड़ी पिच ते कोई खेडूगा उन्हां ने उसे पिच ते खेडना है। और मैं तुहानूं ये दसदा, पंजाब दे लोक पसंद करदे है जदों भगवंत मान जी नाल कोई भद्दी शब्दावली वरतदा है, फिर मान साहब उसे पिच ते खेडदे है जिहड़ी पिच ते उन्हां नूं चैलेंज करन वाला खेडदा है। सो मैं बेनती ये करदा कि देखो, जिहड़ियां जिहड़ियां गल्लां आम आदमी दे विच खामियां होणगियां, असीं ग्रेसफुली मन्नण नूं तैयार है कि हाँ साडे च तजर्बे की घाट हो सकदी है पर नीयत की घाट नहीं। दूसरी गल ये है, कांग्रेस नाल साडा बिल्कुल डिफरेंसेस हैगे है, पहला भी सी अगे भी रहनगे। कारण की है, भाजपा जे बहुत ज्यादा वड्डा खतरा ना बनती देश नूं तां कांग्रेस नूं तां असी लॉन्ग पोल नाल भी टच नहीं सी करना, लेकिन अज चैलेंज ही इहो जे आ गए है।
सो मैं बेनती करता है कि वालिया साहब किसी की नुक्ताचीनी करके तुसी सही नहीं साबित कर सकते अपने आप नूं, जिवें किसी के पिछे भी आप जो गल्लां करिए, लेकिन असी जो पंजाब की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो असी राजनीति दे विच बदलियां गल्लां, कदे पहला विधानसभा की लाइव टेलीकास्ट नहीं सी हुंदी, कदे पहला एक घंटे का जीरो आवर नहीं सी हुंदा, कदे भी पहला ओपोजिशन वाले लीडर नूं इन्ना असी उहदे नाल नहीं सी कि मुख्यमंत्री जी ने अकाली दल दे एमएलए सुखी जी नूं कहा कि लियाओ जो तुसी डाक्टर लवाउणे आ जो 24 घंटे दे अंदर लगनगे लिस्ट दिओ। जिहड़ियां उहनां दीआं ग्रेस दीआं गल्लां है ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।